तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ओकिनावा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारा ओकिनावा के इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ओकिनावा के काफ़ी ऑफिस मानते हैं कि उभरता हुआ ब्रांड है, देख सकते हैं ओकिनावा का इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल तो एक एक करके आपको कुछ ये जो आप देख रहे हैं ये DRL है और ये आपको लाइट वगैरह देखने को मिलेगा। इंडिकेटर आते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये ऑन करके देखते हैं तो ऑन करने के लिए हम फैसल कर सकते हैं। सर यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिलेगा तो लुक कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको इस ब्रेक देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक देखने को मिलता है। यहाँ पर देखें तो ओकिनावा का क्लासिक IQ ये मॉडल है और इसमें जो है टेक्निकल स्कोप इस पर 25 एंड 60-70 और डे टाइम रेंज में ये कुछ यहाँ पे आता है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, क्लासिक IQ1 प्लस देख सकते हैं ये बैक साइड से इस तरीके से है। इसका कुछ इस तरीके से सामने निकल के आता है। डिस्क ब्रेक इसमें, ड्रम ब्रेक इसमें फ्रंट में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगैरह DRL यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे LED देखने को मिल जाता है, ये नंबर प्लेट के लिए हो जाता है। यहाँ पे आपको लाइटिंग वगैरह और ये इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ये अपने वहाँ का फास्ट मिल जाता है, ये इसमें डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट एरिया तो कहीं भी नहीं बदल रहा है। बैक साइड से कुछ इस तरीके से इसका लुक निकलता है। ये अगर मैं रियर से दिखाता हूँ, हाँ सॉरी इवन मैं फ्रंट से दिखाता हूँ, क्योंकि फास्ट में आपको तीन मॉडल देखने को मिलते हैं, जो कि आपको ये देखने ग्रे में देखने को मिलेगा, ब्लू में देखने को मिलेगा, मेट ग्रे ग्रीन उसमें देखने को मिलेगा। तीनों मॉडल सेम है, तीन के फास्ट का ही मॉडल है, जिसमें आपको ये तीन कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो कलर आपको कौन सा पसंद आता है जो तस्वीर जो मेट ब्लैक टाइप में दिया गया, ये देखने में जो है ब्लैक में नहीं है, तो बिल्कुल फिनिशिंग इसमें काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। बाकी लुक हर एक आने वाले बाइक ने अलग लुक दिया है, बाकी अब तो ट्रेंड हो गया DRL, तो ये DRL देखने के बाद काफ़ी खूबसूरत ये बाइक लगती है। बाकी यहाँ भी है ये फ्रीडम इलेक्ट्रिक का ही है, फ्रीडम इलेक्ट्रिक मॉडल है ओकिनावा, तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं ये कुछ निकल के सामने आता है। अभी इसके अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ये रियर में अगर आप देखें तो रियर साइड से आता है, फ्रीडम इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। इस साइड से आपको फ्रंट में इसमें फ्रंट और रियर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। ये मॉडल पर ही उनके भी आपको मॉडल देखने को मिलता है, ओकिनावा का ये मॉडल से मॉडल भी काफ़ी प्यारे ही है। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, ये तो इसका कुछ सबसे धन्यवाद है। इसके कुछ फीचर्स की तरफ चले तो यहाँ पे फीचर्स दिखाने को मिलते हैं। ये मॉडल है और ये भी मॉडल है। नेक्स्ट चलते हैं इस साइड में और दो आपको मॉडल में बाइक रह गए एक वहाँ और वहाँ, तो अभी हम चलते हैं वो दो मॉडल पर कौन सा मॉडल ले सकते हैं। क्लासिक आपको 150 देखने को मिल जाता है। तो हम चलते हैं इस साइड से, तो बाहर चले तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ओकिनावा का इलेक्ट्रिक देखने को मिलता है, जो कि मुझे आपको फ्रीडम जो मॉडल है देखने को मिलता है।
आपको एक फास्ट मॉडल देखने को मिला और क्लासिक 150 और फ्रीडम, ये तीन मॉडल यहाँ पर तीनों में तीन मॉडल में दो तीन कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी सेम कलर है और एक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि मॉडल देखने को मिलता है, उसमें भी सेम आपको ये चीज़ें देखने को मिलता है। जो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ मॉडल मिल जाता है, क्योंकि नया तरह से मॉडल मिल जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत मॉडल देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे से भी आपको अच्छे मिले पीछे से मिल जाएगा। जर्मनी का भी काफ़ी बड़ी चुकी है, लेकिन अलग रही बहुत सारी अभी हम उसके बारे में बात नहीं करते। तो ये शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फिक्स चार्जिंग स्टेशन टाइप का, तो ये क्या है चार्जिंग है जो कि तो ओकिनावा इलेक्ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, हर सच होंगे सब सपने अपने, तो ये इनका पहले काफ़ी अच्छा खासा बड़ा सा ये बना हुआ है। ओकिनावा का तो कंप्लीट हो गया, अभी चलते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं कि क्या है।